आखिर इस ऋषि का नाम लेने से क्यों नहीं काटते सांप? एक बार नागों की माता कद्रु ने किसी बात पर क्रोधित होकर नागों को श्राप दे दिया कि राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उसी में तुम सब भस्म हो जाओगे। नागराज वसुकी को जब इस श्राप के बारे में पता चला तब वह बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें एक नाग ने बताया कि मनसा देवी का पुत्र आस्तिक मुनि सर्प यज्ञ को पूरा होने से रोक देगा। जब राजा जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है तो उन्होंने नागदा यज्ञ करने का निर्णय लिया। राजा जन्मेजय ने जब नागदा यज्ञ का प्रारंभ किया तो उसमें छोटे बड़े वृद्ध और युवा सांप आके गिरने लगे। चीज से डरकर तक्षक नाग देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गया। जब आस्तिक मुनि को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर राजा जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि ने उनसे इस यज्ञ को बंद कराने का निवेदन किया। पहले तो राजा ने इनकार कर दिया लेकिन बाद में बहुत समझाने पर वह मान गए और यज्ञ बंद कर दिया। कहा जाता है कि आस्तिक मुनि का नाम लेने से विशाले नाग भी बिना कुछ नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं और व्यक्ति को सर्प भय भी नहीं रहता है। और दोस्तों आस्तिक मुनि माता मनसा के पुत्र थे। तो दोस्तों कमेंट में जय माता मनसा लिखना ना भूल।